नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। तो आज हम पहुंचे हैं गौरियाकर्मा, जो कि रेड सिंधी का फार्म है। तो आज हम यहां पर देखेंगे यहां की पशुएं और यहां के बारे में जानकारी लेंगे। तो बने रहेगा, इस पूरे वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ से कैसे सीख सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग को और अच्छे तरीके से किस तरह से किया जा सकता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ऐसे ही जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी। ऐसे ही हमारे डेयरी फार्म्स की वीडियो आपके बीच आती रहेंगी, बस अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा। तो अभी हम चलेंगे अंदर में और मतलब यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, पशुओं के बारे में जानकारी लेंगे कि उनका फीडिंग क्या है और पूरा प्रोसेस क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, अभी हम चलते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे द्वारा आप सभी को मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेयरी फार्म को कम से कम खर्च में किस तरह से चला सकते हैं। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सके कि डेयरी फार्म को और भी बेहतर किस तरीके से चलाया जा सकता है कम खर्च में और कौन सी नस्ल की गाय आपको रखनी है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, अभी हम चलते हैं फार्म पर और जानकारी लेंगे। तो जैसा कि अभी हम गेट पे हैं जो कि फार्म है और गवर्नमेंट के थ्रू ये चलता है, तो यहाँ की जो पशुओं की जो नस्लें हैं वो रेड सिंधी है। रेड सिंधी नस्ल की यहाँ की सभी गाय हैं। तो अभी हम वहाँ गेट पे हैं और आप देख सकते हैं जितना एरिया है उनके फार्म की जो पशुएं हैं उनके लिए है। और अभी आप उधर देख सकते हैं सभी गाय इधर घूम रही हैं, बैठी हुई हैं, उनका मिल्किंग हो गया है और मिल्किंग करने के बाद उनको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है जैसे फार्म पे होता है कि पशुओं को बांध कर रखा जाता है, तो उनको बांध कर नहीं रखा गया, उनको छोड़ दिया गया है मिल्किंग होने के बाद में। वो भी घूम रही हैं और अभी ये जितना एरिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा उनके फार्म का एरिया है। तो अभी हम चलेंगे अंदर में और पूरी जानकारी के साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ का रूटीन क्या है। तो बने रहेगा इस पूरे वीडियो में, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी हम गेट पर हैं, अंदर चलते हैं और आपको पूरा दिखाएंगे कि अभी फार्म बन भी रहा है और दिखाएंगे पशुएं कहाँ खाती हैं, उनका क्या फीडिंग है और उनको क्या क्या दिया जाता है और कितने दूध करने वाली पशुओं को कितना कितना फीडिंग दिया जाता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो अभी हम अंदर आए और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काम चालू है जो कि यहाँ पर भी शेड बन रहा है पशुओं के लिए, मतलब अभी काम चालू ही है जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी जो उनका बैठने का जो सीट है वो भी अभी तैयार नहीं हुआ है, बनने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि पशुएं आराम से रह सकें। तो अभी आप देख पा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक तरीका मिल गया कि आपको शेड किस तरीके से बनाना है, जो कि आप देख पा रहे हैं शेड का बनाने का तरीका। अभी हम पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको कि आप अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो आप किस तरीके से शेड बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पर ईंट बिछ चुकी है और अभी यहाँ मतलब ढलैया होगा जिसपे पशुएं रहेंगी और बनाने का तरीका आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से मतलब खुला है, लोहे का भी काम है इसमें क्योंकि ऊपर यहाँ पर सेट डलेगा, इसके लिए लोहा डाल रखा है इन्होंने और नीचे का आप देख सकते हैं आप। और अभी तो काम चालू ही है और अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे प्रोसेस पूरा।
जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो इनका जो पशुओं को बांधने के लिए है, ये पहले का बना हुआ है, इसमें पशुएं पहले खाती थी, और अभी ये तो हाइट थोड़ा डाउन है और अभी दूसरे जगह बना है जाकि जहाँ की थोड़ा हाइट में है और वहाँ पर पशु अच्छे तरीके से खाती हैं। ये बहुत ही पुराना है, पहले का बना हुआ है। अभी हम वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पशुओं का जो खाने का जो टब है वो किस तरीके से बनाया गया है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ भी, और अभी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी मुझे एक फार्म, अभी यहाँ पर जो शेड है गर्भवती गाय का शेड है, यहाँ पर जो मतलब जो पशुएं प्रेग्नेंट होती हैं, जो गाभिन होती हैं, उनको यहाँ बांधा जाता है। तो अभी हम अंदर चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से। और यहाँ एक फार्म का जो मैनेजमेंट है सबसे बढ़िया है कि सभी पशुओं के लिए अलग अलग जगह शेड बनाया गया है, जो कि गाभिन गाय के लिए अलग है और लगहर जो दूध देने वाली हैं उनके लिए भी अलग है। तो अभी हम यहाँ के बारे में देखेंगे। और जैसा कि उस साइड में जो नाद था जो पशुओं खाने के लिए, वहाँ से तो ये अलग है, ये थोड़ा ऊँचे में है जो कि पशुएं आसानी तरीके से खा सकती हैं। और इस टाइप का आप देख सकते हैं पूरा लंबा उनके लिए नाद है पशुओं को खाने के लिए, और जो कि पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर है, पानी भी पशुओं को मिलते रहता है जो कि नल लगा हुआ है आगे में। तो ये जो है वो गाभिन पशुओं के लिए है। अभी हम आगे चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि और क्या क्या है इस फार्म पे। और अभी हम आए हैं जो कि लगहर, जो कि दुधारू पशुएं हैं उनके लिए जो शेड बना है, एक यहाँ पर है और एक उस तरफ भी है जो कि लगहर पशुओं के लिए है। और आप उधर भी देख पा रहे हैं बाछा बाछी, जो कि वहाँ पर यहाँ के फार्म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शेड बनाया गया है, बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो फार्म का जो मैनेजमेंट है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सभी पशुओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए भी अलग ही है, और जो गाभिन और लगहर जो पशु हैं सभी के लिए यहाँ पर अलग है। और एक बुल फार्म भी है, हम अभी वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के जो बुल हैं उनके बारे में दिखाएंगे। तो बने रहेगा इस पूरे वीडियो में। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे फीडिंग के बारे में भी, आपको दिखाएंगे कि इनको क्या क्या दिया जाता है खाने के लिए। तो चलते हैं अभी हम अंदर। तो जितने भी मतलब लगहर हो गई और गाभिन पशुएं हो गई सभी के लिए सेम ही नाद बनाया गया है, मतलब ऊंचाई में भी ठीक है, पशु आराम तरीके से खा सकती हैं। और एक यहाँ पर है और एक हमारे सामने वहाँ पर जो है, वहाँ भी लगहर पशुओं के लिए है। तो वहाँ भी आप देख पा रहे हैं वहाँ भी सेम ही है। तो अभी हम चलेंगे जो बच्चों के लिए है वो देखेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। अभी हम चलते हैं वहाँ पे। अभी हम जो बाछा बाछी का शेड है, जो कि यहाँ के फार्म के जो बच्चे हैं, अभी हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे उनकी नस्लें कैसी हैं जो कि आगे के लिए तैयार होंगी। तो अभी हम बाहर में हैं और अभी हम अंदर चलते हैं और देखेंगे यहाँ की बाछा बाछी किस नस्ल में तैयार हो रही है अभी। तो अंदर अभी बच्चे हैं, अभी हम चलते हैं वहाँ पे। तो जैसा कि अभी बच्चे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे हैं, और किस तरीके से आ रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के सभी बच्चे रेड सिंधी नस्ल जो है सभी को आप देख पा रहे हैं, सभी एक कलर के हैं। और गवर्नमेंट के अंदर में ये फार्म आता है, और यहाँ के सभी बच्चे जैसे आ गए हैं, जैसे हम इनके लिए कुछ ले करके आए हैं। हम अगली बार जब आएंगे तो यहाँ के लिए जरूर कुछ ना कुछ ले करके आएंगे, अभी तो हम ऐसे ही आ गए हैं, हमें पता नहीं था। तो अगली बार हम जब आएंगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ चारा या गुड़ अगली बार इनके लिए हम ले करके आएंगे। और यहाँ के जो बच्चे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से प्यार कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ के। अभी वहाँ मतलब वहाँ पर जो वहाँ पर दो तीन मंथ के बच्चे मतलब हो गए थे वो वहाँ बंधे हुए थे, और अभी आप जो देख पा रहे हैं ये सभी बच्चे मतलब 10-15 दिन के हुआ होगा इनको, अभी हुए एक मंथ भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर वो सभी बच्चे बंधे हुए हैं। और अभी ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ये बाल पशु गृह मतलब बच्चों के लिए है, जो यहाँ के फार्म के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जगह है। और देख सकते हैं ये जगह सभी बच्चों के लिए अलग, मतलब एक सेट में 5 या 6-10 जो भी आता होगा वो पशु यहाँ पर बच्चे उनके रहते हैं, उनके लिए जगह है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए कुछ भी हो गया जो उनका फीडिंग होगा, बच्चे जो खाते होंगे उनके लिए जो प्रोटीन होगा वो इसमें डालते होंगे, और सभी के लिए देख पा रहे हैं सभी बच्चों के लिए अलग अलग जगह पे है। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने फार्म को बनाया है। तो पूरा आप देख पा रहे हैं कितना लंबा है, और सभी
यहाँ के जो फार्म की गाय हैं उनके बच्चों के लिए जगह है। मिल्किंग के बाद मतलब उनको यहाँ लाकर बांधा जाता है। अभी यहाँ के जो ऑनर हैं वो नहीं हैं, वो काम से कहीं दूसरे जगह गए हैं। अगर वो रहते तो पूरा यहाँ के बारे में डिटेल से बताते, क्योंकि वो नहीं हैं तो अभी हमें खुद से ही करना पड़ रहा है। वो रहते तो जानकारी देते हैं। और यहाँ पर पीने के लिए पानी है बच्चों के लिए, थोड़ा गंदा है, अभी उन्होंने साफ़ नहीं किया है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बुल जो यहाँ पर तैयार होते हैं, जो कि यहाँ पर बुल है और सभी पशुओं के लिए एआई के लिए ये जगह बना है। तो यहाँ पर सीमेन का प्रयोग नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ बुल तैयार है और बुल से ही एआई किया जाता है यहाँ पर। तो अभी और भी जानकारी लेंगे हम आगे से। अभी ये जो जगह है, जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये हरा चारा के लिए उन्होंने बनाया है। यहाँ पर जितना उनसे हो सकता है ये हरा चारा खुद का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर उगाते हैं। और यहाँ पर बोरिंग की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो हरा चारा भी जो कि है हल्का फुल्का अभी हो रखा है, तो उन्होंने काट के रखा है। ये तो सरसों है, बाकी आप देख पा रहे हैं जो चारा, हरा चारा आप देख पा रहे हैं, ये सभी यहाँ की पशुओं के लिए है। और पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो जो बड़ा सा गोडाउन है, वो कुट्टी का, वहाँ कुट्टी का गोडाउन है जहाँ पर कुट्टी रखा जाता है। वहाँ से पशुओं को निकाल कर चारा दिया जाता है। और भी आगे देखेंगे कि उनको और क्या क्या फीडिंग में दिया जाता है। बस बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। और यहाँ पर हरा चारा, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि वो खुद का उत्पादन करते हैं, वहाँ से उगाकर यहाँ पर लाकर कटिंग करते हैं, उसके बाद सभी पशुओं को देते हैं। तो ये वो उनका जगह है और वो जगह जहाँ पर वो हरा चारा का उत्पादन करते हैं। और यहाँ के फार्म के लिए जो बिजली की जो व्यवस्था है 24 आवर की है, मतलब लाइट रहा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जनरेटर की भी सुविधा है। मतलब यहाँ पर जो पशुओं के लिए है कि 24 घंटा पानी और बिजली लाइट हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ जनरेटर रूम है और अभी आप आगे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है एआई उत्पादन बच्चे का रख रखाव, यहाँ पर अभी हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो अभी जो यहाँ का जो बुल है वो रेड सिंधी ही बुल है, जो कि यहाँ से एआई होता है। तो अभी हम गेट पे खड़े हैं और बुल यहीं पर खड़ा है, खुला है। और बड़ी बड़ी सिंहों वाला तो डर लग रहा है हमें थोड़ा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से है। तो अभी आप देख पा रहे जो बुल है वो खड़ा है सामने। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ का जो आप बुल देख पा रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हमारा यहाँ भी पहला टाइम है। और बुल आप देख पा रहे हैं रेड सिंधी नस्ल का जो है, और अकेला ही है यहाँ पर, और बुल हमें नहीं दिखे हैं। अभी हमें एक ही यही बुल दिखा है। तो जो आप देख पा रहे हैं सामने किस नस्ल का है, रेड सिंधी नस्ल का, जो कि देख ही पा रहे हैं आप, और थोड़ा कमज़ोर बुल है। तो हम बात करेंगे कि इसको खिला पिला क्यों नहीं रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आपको अंदर दिखाया, अंदर का जो प्रोसेस है, यहाँ के जो ऑनर है वो अभी थे नहीं, नहीं तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से जानकारी देता कि पशुओं में कितना दूध है। और हमें अंदाज़ा नहीं है कि रेड सिंधी नस्ल जो है वो कितना दूध करती है। तो मैं आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर रेड सिंधी के बारे में आपको अगर पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि यह पशु कितना दूध करती है। तो अभी मैं आपको अंदर चलूँगा और आपको यहाँ की जो पशुएँ हैं वो भी दिखाऊँगा अभी, जो कि मैंने आपको अंदर दिखाया, अंदर का जितना प्रोसेस है, पशुएँ कहाँ बनती हैं, उनको खाने के लिए कहाँ दिया जाता है और उनको कहाँ बांधा जाता है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। और अभी मैं आपको यहाँ की जो पशुएं हैं अभी वो दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि ये यहाँ की पशुएं हैं, तो अभी बछिया भी हैं और गाय भी हैं, ज़्यादातर तो हमें यहाँ पर गाय दिख रही हैं, और बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में। अभी हल्की ठंडी भी है। तो अभी हम यहाँ की जो ब्रीड क्वालिटी है अभी आपको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ की जो उनकी थन है, अडर है, वो किस तरीके से है। और तो अभी हम आपको यहाँ की पशु दिखाते हैं। तो सभी पशुएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर ये मिल्किंग में पशु है, जो अभी आप देख पा रहे हैं ये भी मिल्किंग में है। और ये जो बछिया आप देख पा रहे हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पर 200 पशुएं होंगी, जितनी यहाँ पर पशुएं हैं 200 हैं। कुछ इधर भी हैं और कुछ अंदर में भी हैं और कुछ उस साइड में भी अभी घूम रही हैं पशुएं, जो कि एक वहाँ पर भी बैठी हुई है, और भी पशुएं अंदर में भी हैं।
तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पशुओं को किस तरीके से रखा जाता है, तो ये जो फार्म है वो गोरियाकर्मा क्षेत्र में है और यहाँ की सभी पशुएं रेड सिंधी जो नस्ल है उस नस्ल की यहाँ पर सभी पशुएं हैं। और यहाँ का जो मिल्क है वो डेयरी में जाता है, यहाँ की सभी पशुओं का मिल्क डेयरी में चला जाता है। और यहाँ पर जो एक फार्म है और बगल में है जो कि बुल का फार्म है, वहाँ का भी वीडियो मैं डालूंगा जो कि आप मेरे चैनल पर देख पाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही डेयरी फार्म्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी जितने मेरे एरिया में जितने भी फार्म हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से वीडियो बनाऊँगा कि फार्म को किस तरीके से मैनेज किया जाता है और कम से कम खर्च में आप फार्म को किस तरीके से चला सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आप अपना सपोर्ट हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।